सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज एक न्यूज आई है कि अगले साल 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, यहाँ पर लगातार 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम, क्या हम लोग इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में कब शामिल हो सकता है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। कोई भी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में तब शामिल होता है जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया हो, यानी कि उसने अगर बीएड किया है तो बीएड कंप्लीट हो, अगर उसने बीटीसी किया है या फिर डीएलएड किया है, ये उसका कंप्लीट हो, 4 सेमेस्टर पूरे हो गए हो और उसने यूपी टेट या फिर सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई की हो प्राइमरी लेवल की। ठीक है, अब आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग अभी डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, आप लोगों ने अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोग का दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। पीएनपी के द्वारा यही चीजें कही गई हैं। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है यूपी टेट का, तो आप लोग अगर यूपी टेट का जो लास्ट आवेदन की तिथि है, यानी कि जो आवेदन की लास्ट डेट है, अगर उससे पहले आप लोग का रिजल्ट आ जाता है तब आप लोग कहीं यूपी टेट देने के लिए पात्र होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2 महीने का समय लेती है पीएनपी आप लोगों का रिजल्ट घोषित करने के लिए, तो अगर आप लोग जल्द से जल्द पीएनपी के पर दबाव बना करके किसी भी तरीके से अगर आप लोग अपना रिजल्ट जल्दी निकलवाने में कामयाब होते हैं तब जा करके कहीं आप लोग यूपी टेट की परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि जब कोई भर्ती आती है, कोई भी भर्ती आती है, तो उसमें आप लोग की पूरी योग्यता होना जरूरी है, यानी कि आपका जो प्रशिक्षण है डीएलएड वो पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग यूपी टेट या फिर सी टेट में से कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एक परीक्षा आपने क्वालिफाई की हो। तो यहाँ पर बात आती है, आप लोगों का प्रशिक्षण अभी पूरा होगा अगले साल 6 अगस्त को, आपको भी पता है 6 अगस्त को पूरा होगा, और 6 अगस्त को पूरा होगा तो आपको ये भी पता है कि पीएनपी अगस्त में एग्जाम नहीं करा लेगी। पीएनपी अगर एग्जाम कराती भी है तो सितंबर से पहले नहीं कराएगी, ये भी आप लोग जानते हैं। और रिजल्ट भी आपको पता है 1-1.5 महीने के बाद ही आएगा, ये मान के चलिए, तो अक्टूबर तक कहीं आप लोगों का रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर अगर ये वैकेंसी अगले साल अक्टूबर या नवंबर तक आती है तब आप लोग इसमें बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। आप लोग किसी भी तरीके से दबाव बना करके रिजल्ट निकलवा सकते हैं अपना। तो अगर ये वैकेंसी अक्टूबर या नवंबर तक आती है तब तो निश्चित रूप से आप लोग इस वैकेंसी में बैठ सकते हैं, लेकिन जो इस न्यूज़पेपर में निकला है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी और इसका परिणाम जारी होने के साथ ही भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे ही यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके तुरंत बाद यहाँ पर विज्ञापन निकाला जाएगा इस 50,000 वैकेंसी का, ताकि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले रिक्त पद भरे जा सके। 2022 में चुनाव है, आप लोगों को पता है, तो 2022 से पहले इन पदों को फिल करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इनके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर निकला हुआ है आज न्यूज पेपर में, इनके अकॉर्डिंग तो मई या फिर जून में ही ये वैकेंसी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जितने भी 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, हर साल 10 से 12 हजार शिक्षक जो होते हैं वो रिटायर होते हैं। और आप लोगों को भी पता है कि ये जो 1,37,000 पद आप लोगों ने देखे हैं, ये 1,37,000 पद शिक्षा मित्रों के ही भरे गए हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी हर साल जो 10 से 12 हजार सीटें खाली होती है, टीचर रिटायर होते हैं, इसकी तो अभी गणना ही नहीं की गई है। तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में भर्ती नहीं आएगी। आप लोगों का काम है कि आप लोग अच्छे से अपना सही समय पर अपना प्रशिक्षण कंप्लीट करिए, यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई करिए और वैकेंसी आती रहेगी दोस्तों। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे प्रशिक्षु कंफ्यूज है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपका रिजल्ट टाइम पर आता है तो दोस्तों आप लोग बैठ भी सकते हैं, और अगर वैकेंसी थोड़ी भी डिले होती है, अक्टूबर नवंबर ये जाती है, ये जो 50,000 वैकेंसी यहाँ पर बताया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, तो आप लोग बैठ भी सकते हैं। तो अभी
थोड़ा असमंजस की स्थिति है, पूरी स्थिति क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों के सही समय पर सारे सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं और ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले होती है, यानी कि अगर मई जून में ना हो करके ये सीधे अक्टूबर नवंबर तक कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप जितने भी प्रशिक्षु हैं, जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या हम शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं या फिर नहीं, और या फिर यूपीटेट दे सकते हैं कि नहीं, अब उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग की सबसे पहली प्रियोरिटी होनी चाहिए आप लोग का 25 नवंबर को जो मैथ का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिए। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से आनंद सर करवा रहे हैं चैनल पर, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को मैथ के देख सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर मैं पढ़ा रही हूँ, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों 25 नवंबर को होने वाले पेपर के लिए आपको अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है और लगातार रोज आपको एक मॉडल पेपर दिया जा रहा है, उसको भी आप सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाइए। और जहां कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको गणित विषय की सभी वीडियोज मिल जाएंगी। और दोस्तों अब आप लोग के अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस आप लोग का अभी जो लक्ष्य है, जैसे ही आपका ये एग्जाम खत्म होता है 25 नवंबर को, आप लोग को तुरंत पीएनपी पर ये दबाव बनाना है कि आप लोगों की कॉपियां जल्द से जल्द जांची जाएं, आप लोग के प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाए जाएं और जल्द से जल्द आप लोग का रिजल्ट निकाला जाए। जितनी जल्दी आप लोग का रिजल्ट, अगर आप लोग दिसंबर के लास्ट वीक तक रिजल्ट निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग यूपी टेट 2020 कि जो परीक्षा 2021 में हो रही है उसमें आप लोग बैठने के लिए बिल्कुल योग्य होंगे। आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर का मार्कशीट आपके हाथ में होगा, आसानी से आप परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो आप लोग की प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी परीक्षा का परिणाम निकलवाएंगे, उसके बाद आप लोग यूपीटेट की परीक्षा आसानी से दे पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग चैनल से बने रहिए, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे हम, और हमारा एक ही लक्ष्य है आप में से हर एक प्रशिक्षु अपना प्रशिक्षण कंप्लीट करे, यूपी टेट सी टेट दे और जल्द से जल्द सहायक अध्यापिका या सहायक अध्यापक बने। जैसे ही दोस्तों आप लोग प्रशिक्षण कंप्लीट करते हैं, यूपी टेट देते हैं, तुरंत आपको शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखिए और हमारा चैनल लगातार प्रतिबद्ध है आप लोग को अच्छी तैयारी कराने के लिए और सभी विषयों की परीक्षा को अच्छे से क्लियर कराने के लिए। तो आप चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए, आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, और दोस्तों लगातार आप लोगों का मार्गदर्शन हम करते रहेंगे, बस आप चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी भविष्य में शिक्षक बने इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी चैनल से बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया।